दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना जा रहे हैं जो एक डेट फ्री कंपनी है, फिर इसके साथ साथ उसका शेयर 22,000 रुपये के लगभग है, बट हमें कल से वो शेयर केवल 2200 रुपये में मिल पाएगा। जो शेयर नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि 22,000 रुपये का एक शेयर हुआ करता था तो हर कोई इंसान नहीं खरीद सकता, बट कल से वो रिटेल इन्वेस्टर भी उस शेयर को खरीद पाएगा, क्योंकि वो शेयर केवल 2100, 2200 और 2000 रुपये के आसपास कल वो शेयर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए उस शेयर के बारे में हम बात करते हैं। बस इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे और आप इन शेयरों में इन्वेस्ट करके आप भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी के रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ आपको। वनडे का रिटर्न्स देखिए, वनडे का रिटर्न्स 1.61% का आपको प्रॉफिट हुआ है। वन वीक में देखिए 7.89, वन मंथ में देखिए लगभग 8%, थ्री मंथ्स में 54.33, सिक्स मंथ में 15%, वन ईयर में 35%, सॉरी फाइव ईयर में 6 और 10 ईयर्स में 1897.76%। तो इस कंपनी के रिटर्न 10 साल में देखिए, क्योंकि हमेशा हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में देखिए 10 साल में लगभग 1900% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नो डाउट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही उस अभी कुछ पिछले कुछ साल से प्रेशर में देखने को मिल रही है। इस वजह से ये शेयर में आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है पिछले कुछ साल में, बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर हमेशा फ़ायदा देता है। बट अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि जिस वजह से ये शेयर में आपको भागता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि 22,000 का शेयर आपको केवल 2,000 रुपये में, 2100 और 2200 रुपये में देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिस वजह से उसमें वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोग भी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने के चांसेस है। तो ये तो रही केवल इसके प्रॉफिट की बात, ओके। इसके अलावा एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स है, कोई भी शेयर इन्होंने प्लेस किया नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 9.32% की हिस्सेदारी है। FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, लगभग 650 फॉरेन इन्वेस्टर ने 26.95% की हिस्सेदारी इसमें ले रखी है। और मेजोरिटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स जो के हाइएस्ट होल्डिंग है वो दस सिमरन सिद्धार्थ तारा बेनिफिट ट्रस्ट 44.06, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग है SBI ब्लू चिप फंडेड अदर होल्डिंग सम पैंस, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.97% की इसमें होल्डिंग है। तो एक बार देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, जैसे कि बताया 49.28%, FIIs फॉर इन्वेस्टर 26.95, म्यूचुअल फंड 9.32%, इंश्योरेंस कंपनी 1.75, अदर DIIs 1.03, इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल 11.68% की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। तो काफी अच्छा शेयर है, ओके। तो आइए उस शेयर की तरफ हम चलते हैं। तो उस शेयर का नाम है आइशर मोटर्स। रॉयल एनफील्ड का नाम सुना होगा आपने, ओके। तो रॉयल एनफील्ड जो इस बाइक है, एवरीवन वांट्स कि मैं रॉयल एनफील्ड लूँ और उसमें उसे ड्राइव करूँ, उसे राइड करूँ, ओके। तो रॉयल एनफील्ड लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज है और लोग इसे खरीदना भी चाहते हैं और खरीदते भी है। तो रॉयल एनफील्ड आपको पता ही है। इसके अलावा आइशर के आपको बड़े बड़े डंपर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको बनती हुई नज़र आती है, ओके। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं आइशर मोटर्स वो उन्हें मनाता है। तो इसके अलावा देखिए वन डे में ही परफॉर्मेंस देखिए, लगभग 400% की जंप और 1.98% की इसमें जंप आपको सामने साफ दिखाई दे रही है। फाइव वीक में देख लीजिए 20,000 रुपये का शेयर, 20,200 में शेयर चलता था, आज 21,000 में सॉरी आपको शेयर दिखाई दे रहा है। वन मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। सिक्स मंथ का हम देखते हैं, सिक्स मंथ का देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शेयर
कोविड से पहले लगभग 18,000 रुपये का चलता था। कोविड आया तो कोविड में ये शेयर लगभग 12,680 रुपये, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आया। और इसके अलावा इसके बाद देखिए क्या इसने जंप लगाई है, क्या ये शेयर भागा है, और लगभग लगभग 21-22,000 रुपये तक ये शेयर आपको, जैसे कि अगर मैक्सिमम दिखा देता हूँ तो 22,116 यहाँ पर शेयर गया है। तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और इसका रिटर्न्स देख लीजिए, रिटर्न्स भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और क्या ये 1999 में ये शेयर 12 रुपये का मिलता था, और जिसने 1999 रुपये में 12 रुपये के अगर 10 शेयर भी लिए होते तो आज लखपति तो वो ऑलरेडी होता ही। क्या इसके परफॉर्मेंस है, और कभी 2017 में ये 32-33 हज़ार रुपये का शेयर हुआ करता था, बट जैसे कि बताया कि पिछले 2-3 साल में प्रेशर है इस इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये व्हीकल्स में काम करता है, तो व्हीकल्स में ही प्रेशर है पूरे इंडस्ट्री में। दिस इज़ द रीज़न कि ये शेयर आपको आज इतने कम में मिल रहा है, पर जैसे ही दोबारा वो डिमांड आने लग जाएगी, वही चीज़ दोबारा इंडस्ट्री चलने लग जाएगी, तो ये शेयर 32-33 हज़ार, क्या ये 50 हज़ार होने की काबिलियत रखता है। बट अब ये शेयर आपको 22,000 रुपये में या इसमें नहीं दिखेगा। एक न्यूज़ आ रही है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये शेयर आपको मंडे से, मतलब कल से, ये केवल आपको इसके 2100 और 2200 रुपये में आपको ये शेयर मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, 52 वीक लो, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ये शेयर केवल 12,450 में मिल रहा था, और 52 वीक हाई देख लीजिए, 26 नंबर को इसने 23,450 रुपये का लगाया था। पी रेशो की बात करें तो सेक्टर इंडस्ट्री जो ये जो इसका सेक्टर है उसका पीई रेशो 141.63 है, बट इसका केवल 41.16 में आपको पीई रेशो दिख रहा है, तो पीई रेशो काफ़ी कम है, तो ये भी देख चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरीज की बात की जाए तो 18% के लगभग की डिलीवरीज उठाई गई है, क्योंकि सबको पता है कि ये शेयर आपको 2200 में मिलने वाला है। बल्क में लोग खरीदेंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से इस शेयर में कल की डेट में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 49.28% है, और पब्लिक की 50.72, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो मैं आप और इसके अलावा डिविडेंड की बात की जाए तो 2017 में इन्होंने 100 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2018 में 110 रुपये का, 2019 में आपको 125 रुपये का, 2020 में 125 रुपये का डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड भी हर साल बड़ा बड़ा के आपको देती जा रही है, तो अच्छी कंपनी है। तो आइए न्यूज़ के ऊपर चल लेते हैं, आप देख लीजिए, फेस वैल्यू स्प्लिट सब डिविज़न 24 अगस्त 2020, मतलब कल की ही डेट में जो 24 अगस्त है, फ्रॉम 10 रुपीज़ पर शेयर टू 1 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अपने शेयर को स्प्लिट कर रहा है, अपने शेयर को डिवाइड कर रहा है। इनका जो फेस वैल्यू 10 रुपये हुआ करती थी वो अब 1 रुपये में हो जाएगी, तो मतलब जो शेयर आपको 22,000 रुपये के, अगर एक मान लीजिए 22,000 रुपये का शेयर है, तो 10 का इनका फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होने का मतलब है कि 10 से डिवाइड, तो 22,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते तो लगभग 2200, तो ये 2200 रुपये में शेयर के लगभग की जो भी करंट प्राइस है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से ये शेयर मिलने लग जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई पर्सन इस प्राइस पे नहीं खरीद सकता शेयर को, इसलिए स्प्लिट किया गया है, और स्प्लिट करने के बाद वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही होगा, इन्वेस्टर्स भी आएंगे और इन्वेस्टर्स इस शेयर को खरीदेंगे, और ये इसमें जो है आपको 400-500 पॉइंट्स की जंप दिखाई दे रही है, दोबारा इस तरीके की जंप आपको कल की डेट में दिखाई दे जा सकती है। तो आप इस शेयर की तरफ नज़र रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। इसके अलावा हम इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट आपके आप देख लीजिए, रिजर्व्स देखिए, पहले 2016 में 2300, 2017 में 3895 करोड़, फिर इसके अलावा 18 में 5344 करोड़ के रिजर्व्स, 7,799 करोड़ के रिजर्व्स, और फिर अभी 2020 में 8,248 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इनके पास है। तो रिजर्व देखिए कितने बेहतरीन है। और डेट की बात की जाए, पहले डेट 22 करोड़ का, फिर 66, फिर 85, फिर 76, और अभी देखिए 2020 में इनका डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेट फ्री कंपनी है। तो इस डेट फ्री होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। रिजर्व्स देखिए कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, डेट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो ये रहा कैश एंड बैंक बैलेंस,
कांक पहले 44 करोड़, फिर 20, फिर 1208, फिर 29, 40 करोड़, और अभी लगभग 26.38 करोड़ रुपीस के इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। बैलेंस शीट के मामले में काफ़ी अच्छी है ये कंपनी, जीरो डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छा है, कैश एंड बैंक बैलेंस अच्छा है। ओके, और रॉयल एनफील्ड, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि हर कोई रॉयल एनफील्ड चलाना चाहता है, और लोगों के बीच में इसकी काफ़ी सारी डिमांड भी है और लोग इसे राइड करते भी हैं। ओके, और इसके अलावा हैवी व्हीकल्स भी ये बनाता है, तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। 12 रुपये का शेयर आज आपको 22,000 के लगभग दिख रहा है, और कल की डेट में ये आपको 2,200 रुपये के लगभग आपको दिखेगा। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, नज़र बना के रख सकते हैं। चाहे तो अभी 22,000 का तो नहीं ले सकते थे, बट हाँ 2,200 रुपये का एक शेयर हम जरूर ले सकते हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये शेयर काबिलियत रखता है दोबारा, जब 1200 से ये 12 रुपये से 21,000 पे जा सकता है, तो आपका शेयर जब कल 2,200 का हो जाएगा, तो ये दोबारा 2 लाख रुपये भी जाने की हिम्मत, दोबारा 20,000 जाने की भी हिम्मत रखता है। तो आप थोड़ा बस टाइम देना पड़ेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ऑलवेज बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, शेयर को खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, इसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप संपर्क कर लीजिए, और इसके अलावा आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस खुद के हिसाब से भी करिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या इसमें है, तो कल की डेट में ये शेयर आपको कम कीमत में आपको दिखाई देगा। तो आप चाहे तो इसे वॉच लिस्ट में रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।